दोस्तों एक सुपर एक्शन पैक मूवी रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था मार्टिन, और इस मूवी को फिर से डिले कर दिया गया है। पहले तो ये मूवी दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों दिसंबर में दो बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, एक तो है दोस्तों सलार, दूसरी है डंकी। तो ऐसे में कोई भी दोस्तों प्रोडक्शन वाले या फिर दोस्तों कोई भी एक मूवी क्रिएटर ऐसा नहीं चाहेगा कि ये मूवी जो है उन मूवीज़ के साथ में क्लैश करे जो कि पहले से ही ब्लॉकबस्टर नाम लेकर आ रही है साथ में। तो इसमें हम बात करेंगे मार्टिन मूवी की नई रिलीज डेट, नई अपडेट के बारे में। तो आई नो आप सारे इस मूवी का वेट कर रहे हो, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इस मूवी का टीजर काफ़ी ज़्यादा सुपर था, जहाँ पर हमें काइंड ऑफ पूरे बॉक्सर टाइप लोग दिखाए गए, और जिस तरीके से फाइटिंग वगैरह जो सीन्स देखने को मिली वो देखने में मज़ा आया, और कुछ एक्शन में कुछ नया देखे जैसा इस मूवी के टीजर में हमें नज़र आया। हालांकि इसका टीजर हमें फरवरी में ही देखने को मिल चुका है, बहुत टाइम हो चुका है और इस मूवी को बार बार डिले किया जा रहा है, और कोई ना कोई मूवी एक बड़ी मूवी क्लैश करने के मतलब आ जाती है, इस वजह से इन लोग डिले कर रहे हैं। और ये मूवी आपको अगले साल ही देखने को मिलेंगी 2024 में। बुक माई शो में इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, जहाँ पर 2024 का मेंशन किया गया है। पहले दिसंबर बताया गया था, लेकिन वहाँ पर ये मूवी नहीं रिलीज होगी, यानी कि इस मंथ में अब इसे रिलीज किया जाएगा अगले साल। तो बात आती है 2024 में कब तक देखने को मिलेंगी, तो 2024 में जनवरी में भी कुछ बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही है, जैसे कि दोस्तों हनुमान मूवी हो गई, और भी कुछ मूवीज़ रिलीज़ हो रही है। तो ये मूवी आपको फरवरी से मार्च तक देखने को मिलेंगी, फरवरी एंड या फिर मार्च तक आपको मार्टिन मूवी 2024 में देखने को मिल सकती है। ऑफिशियल ट्रेलर या फिर कुछ अनाउंसमेंट होंगे तो आप सबको बताऊंगा। वैसे क्या सोचते हो मूवी के बारे में, एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।